मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से हुई खराब फसलों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल शाजापुर जिले के सलसलाई पहुंचा, जहां केंद्रीय दल में शामिल अधिकारियों ने खेतों में पहुंचकर सोयाबीन की खराब फसल का जायजा लेने के साथ पीड़ित किसानों से मुलाकात की। गुलाना तहसील क्षेत्र में कीट व्याधि से हुई फसल क्षति के आंकलन के लिए भारत सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम में संयुक्त संचालक IPM एन सत्यनारायण एवं अपर सचिव घनश्याम मीणा पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर दिनेश जैन, SDM NL सोलंकी, तहसीलदार आकाश शर्मा ने फसलों की स्थिति से अवगत कराया। दल ने ग्राम सलसलाई गोदना का दौरा कर किसानों के खेत में जाकर फसलों को देखा और किसानों से चर्चा की। केंद्रीय दल के अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए माना कि किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। हम उसे केंद्र सरकार से निरीक्षण के लिए आए हैं। हम दोनों हैं, मैं सत्यनारायण हूँ, मेरा साथी मीना जी है, और अभी 10-10 फार्मर्स का किसान का खेत में जाके देखा है। हकीकत में जो भी लिखा है वो बिल्कुल सच है। बहुत नुकसान हुआ है, किसी का क्रॉप भी नहीं आ रहा है, 90% का ज़्यादा सा नुकसान है। हम ये रिपोर्ट हमारा ये निरीक्षण के बाद हम केंद्र सरकार को ये इंश्योरेंस के बारे में हम नहीं बारेंगे, इंश्योरेंस के बारे में नहीं निरीक्षण किया था। हम सिर्फ ये कीट व्याधि का जा कितना प्रकोप हुआ था, जितना अफेक्ट हुआ है, कितना नुकसान हो रहा है क्रॉप को, उसी सीमित है हमारा ये क्रॉप कटिंग इंश्योरेंस के बारे में हम कोई विचार व्यक्त नहीं करेंगे। क्या पाया गया सर अभी जो देखा? अभी तो पूरा कोई कुछ नहीं है, अभी 100% कोई किसान को वो अभी शायद खर्चे करना पड़ेगा उसको साफ करके निकाल के फेंकने के लिए, ये भी सोच रहे हैं उसको कोई। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से आई केंद्रीय टीम का भारतीय किसान संघ गुलाना के कार्यकर्ताओं ने मालवा पगड़ी पहनाकर व श्रीफल से सम्मान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान व प्रशासन अधिकारी मौजूद थे। शाजापुर से पंकज राठौर की रिपोर्ट।